हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ये जब मैंने मालूम किया कि आप सब कैसे हैं, तो दिल में दिमाग में ये विचार लेकर नहीं आना है कि सर चल रहा है, लॉकडाउन में घर पर हैं, टाइम पास हो रहा है। ये जवाब आप लोग नहीं दें, अपने दिमाग में नहीं लेकर आएं, क्योंकि मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ। बात यह है कि हमेशा दिमाग को पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जब किसी ने किसी समय को बुरा माना है, समझदार ने, एक्टिव लोगों ने उसी समय का सदुपयोग किया है। हर घटना जीवन में कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। कई बार जो हमें बुरा लगता है वही जीवन में अच्छा आगे चलकर लगना शुरू हो जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी से इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, एक बार एक राजा और उसका मंत्री शिकार के लिए अपने महल से निकलना शुरू करते हैं कि अचानक से महाराज जो है, राजा जो है, उसकी अंगुली जो है वो गेट में आ जाती है और अंगुली कट जाती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, मंत्री पास में जाता है। राजा को चिल्लाते हुए अचानक से मंत्री के मुंह से अपनी सूझबूझ के आधार पर उनको सांत्वना देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मंत्री ने एक बात कह दी कि महाराज आप टेंशन नहीं करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी उंगली कट गई, इसको आप टेंशन ना लें। इस बात को सुनकर आप जानते हैं, जब कोई राजा को, जब उसका मंत्री इस प्रकार की बात, जब राजा को बहुत बड़ी पीड़ा हो रही और कहे, तो राजा को कितना बड़ा गुस्सा आया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को, उस राजा को इतना बड़ा गुस्सा आया कि उसने अन्य मंत्रियों को और अपने सभी चौकीदारों को बुलवा करके और उस मंत्री के ऊपर गुस्सा करके और उसे कहा गया कि इसे तुरंत प्रभाव से जेल में डाल दिया जाए। और जब आगे की डेट दे दी गई कि उस डेट के ऊपर इसे फांसी की सज़ा मैं सुनाता हूँ, फांसी के तख्ते पर इसको चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा अंगुली के मरहम पट्टी करवा करके अकेला शिकार के लिए निकल जाता है। शिकार की तलाश में वो जाते जाते जंगल में बहुत आगे चला जाता है और उसे शिकार नहीं मिलता है। और वो जाते जाते जब जंगल में बहुत आगे चला जाता है, तो वहाँ आदिवासी जो लोग होते हैं, उन लोगों के यहाँ माता जो है, उनकी कुल देवी जो है, उसके लिए किसी इंसान की बलि देना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही वो राजा वहाँ शिकार के लिए आगे बढ़े, तो आदिवासी राजा को पहचान नहीं पाए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और माता की बलि के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। जैसे उसकी बलि, राजा की बलि उस माता के लिए देने की तैयारी की गई, अचानक से एक आदिवासी की उसकी अंगुली के ऊपर नज़र पड़ जाती है और अंगुली कटी हुई देखकर उस आदिवासी ने सबको कहा, नहीं, इसकी बलि हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये अंग भंग है, इससे माता नाराज़ हो जाएगी। और ये बात सब ने देखी और सबके दिमाग में वो बात जच गई और उन्होंने तुरंत उसको रिलीव कर दिया, यानी वहाँ से छोड़ दिया। अब राजा के दिमाग में अपने मंत्री की बात आती है कि जो बात मेरे मंत्री ने मुझसे कही थी कि जो होता है महाराज वो अच्छे के लिए होता है, अगर आज मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज मैं फांसी, अर्थात बलि जो थी वो मेरी दे दी जाती। वहाँ से वो दौड़ा दौड़ा वापस अपने राज्य में आता है और सीधा आकर के अपने मंत्रियों को वह आदेश देता है कि तुरंत प्रभाव से मेरे मंत्री को बुलवाया जाए, उसको वहाँ से खोल दिया जाए, जेल से उसको छुड़ा करके जैसे ही वह राजा के पास लाते हैं, राजा उसको गले लगा लेता है और रोने लग जाता है कि मैं एक बहुत ही गंदा इंसान हूँ कि आप जैसे बुद्धिमान आदमी को मैंने जेल में डलवा दिया, आज मेरी जान चली जाती, आज यदि मैं बचा हूँ तो केवल और केवल आपकी वजह से बचा हूँ, आपने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सुनकर मंत्री फिर हाथ जोड़कर कहता है, महाराज ये बात बिल्कुल सही है,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मेरे इस कार्य पर गिलानी महसूस नहीं करें कि आपने मुझे जेल में क्यों डाल दिया, आपने मेरे को सज़ा क्यों सुना दी, इसको लेकर आप गिलानी नहीं लें, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो हुआ है वो मेरे लिए भी अच्छा हुआ है। महाराज ने कहा, ऐसा क्या बात? तो उन्होंने कहा, महाराज विचार करें, आपने गुस्से में आकर मुझे जेल में डाल दिया, अगर मैं आपके साथ शिकार पर चला जाता तो वो आदिवासी आपको तो छोड़ देते, लेकिन उस माता की बलि के लिए मेरी बलि हो जाती, क्योंकि मैं अंग भंग नहीं था। अर्थात जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉकडाउन हुआ है, बहुत बड़ी महामारी ने हमारे पूरे विश्व को, हमारे देश को घेर लिया है। ऐसे में आप लोग ये दिमाग में टेंशन ना करें कि इस लॉकडाउन के कारण आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इस लॉकडाउन के कारण हम किस प्रकार से परेशान होंगे। इसके साथ साथ हमें दूसरी तरफ भी सोचना होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग विचार करें कि कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि हम आज हमारे परिवार के साथ में समय दे पा रहे हैं। आप लोग सब अपने परिवार के साथ में हो, दादा दादी के पास में कहानी सुनने का वक्त मिला है, हमारे परिवार में बहुत सी बातें सीखने का वक्त मिला है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आज यदि आपको सीखने के लिए कुछ समय दिया जाता है तो स्कूलों के अलावा यदि विद्यार्थी का दिमाग बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फ्रेश होता है, उस समय विद्यार्थी कुछ ना कुछ सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अगर वो वास्तव में जुनूनी बच्चा है तो 100% करता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि जब 1666 में प्लेग जैसी महामारी आई थी, उस समय आपने नाम सुना होगा न्यूटन, जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। वह एक कॉलेज में थे और जब वो लॉकडाउन जैसे अब अपने यहाँ चल रहा है, हम सब घर में, इसी प्रकार सब लोग घर पर थे, वो अपने घर से बाहर आकर के बगीचे में बैठ जाता है और बगीचे में बैठे बैठे जब वो सेब के पेड़ के नीचे था, अचानक से सेब का ऊपर से टूट करके नीचे गिरना, और उसी समय उसके दिमाग का चलना लॉकडाउन का प्रभाव था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस समय आप बिल्कुल फ्री हैं, इस समय आप घर पर हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस काम को आप बहुत ही बखूबी करें, उसमें आप अपनी पूरी ताकत, पूरा दिमाग लगाने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। निश्चित है यही लॉकडाउन आपके लिए भी, जो आज आपको बुरा लग रहा है, यदि आपके दिमाग में कोई नई चीज़ आती है तो आप नया यदि माना करना चाहते हैं तो इस लॉकडाउन का आपको बेनिफिट उठाना है। आप लोग इसके लिए अच्छी कोई तैयारी करें, अच्छे दिमाग को दौड़ाएं, निश्चित है आपके दिमाग से भी वो नया खेल हो सकता है। जिस प्रकार आज पूरा विश्व न्यूटन को याद करता है, इस प्रकार के कार्य आप भी कर सकते हैं, इस प्रकार के कार्य में आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय जो है उसका निष्कर्ष निकाल करके, उस समय को आप अच्छे दिशा में ले जा करके, अपने समय का सदुपयोग करके आप अपना क्षेत्र जो है उसको चूज कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप अपनी एक्टिविटीज़ को, आप अपने जो अंदर प्रतिभा है उसको दिखाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके बीच में फिर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।